तो गाइस वन पीस में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही ऑसम पावर को होल्ड करते हैं, और उन सारे कैरेक्टर्स में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन दिखती है जो है डेविल फ्रूट, यहाँ की या दोनों, क्योंकि जितने भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है उनमें से बहुत ही ज्यादा जो कैरेक्टर्स है वो या हाकी यूज करते हैं या डेविल फ्रूट को यूज करते हैं या दोनों को यूज करते हैं, जिसके मदद से वो जो कैरेक्टर है पर्टिकुलर कैरेक्टर वो बहुत ही ज्यादा ऑसम पावर को होल्ड करता है, जो बहुत ही एक ऑसम वाली बात है। क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चन हमें सुनने को मिल जाते हैं कि वन पीस में जो डेविल फ्रूट है वो पहले ही एपिसोड से हमें देखने को मिल जाता है, पर हाकी जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लेटर ऑन हमें सीरीज में देखने को मिलता है। और इन शॉनेन जो कैटेगरीज जो एनिमे सीरीज होता है या किसी भी मांगा सीरीज के बारे में बात कर लूं मैं, शॉनेन कैटेगरी का जो सीरीज होता है उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है, सबसे ज्यादा पावरफुल जो पावर्स होती है वो सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके मदद से ये थोड़ा बहुत हिंट मिल ही जाता है कि डेविल फ्रूट एंड हाकी के बीच में कौन सा पावर सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इसके ऊपर कई सारे थियरीज है, कई सारे वीडियोस है, तो इसके ऊपर जो सीरीज है उसमें भी थोड़ा बहुत हिंट हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर आप वन पीस मांगा को फॉलो करते हैं तो मांगा में एक पैनल में हमें देखने को मिलता है कि लूफी वर्सेस जो काइडो का जो फाइट हो रहा है फिलहाल योनो कंट्री में, जो काइडो है वो बोलता है जो गोल्डी रॉजर जो है उसके पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर नहीं था, पर उसने अपनी हाकी को इस तरीके से मास्टर कर लिया था जिसके मदद से वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया था, जो एक बहुत ही ऑसम वाली बात है और जो हमें लेटर ऑन सीरीज में भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो डार्क किंग रेली है, जो गोल्डी रॉजर का राइट हैंड मैन है, वो भी हमें देखने को मिलता है जिसके पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर नहीं, पर अपने हाकी के मदद से एंड अपने जो अपने स्वॉर्ड स्किल के मदद से बहुत ही ज्यादा ऑसम कैरेक्टर हो चुका है। और लूफी के साथ साथ वन ऑफ द फोर एम्परर जो है हमारा रेड हेयर शैंक्स, उसका भी टीचर जो है, मेंटर जो है, वो डार्क किंग रेली ही था, जिससे ये तो पता चल जाता है कि डार्क किंग रेली कितना ज्यादा ओपी लेवल कैरेक्टर्स है। अगर डेविल फ्रूट के बारे में बात कर ले तो डेविल फ्रूट में बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है मंकी डी लूफी, उसका जो डेविल फ्रूट है हितो हितो नोमी मॉडल निकाल, जो एक बहुत ही ऑसम डेविल फ्रूट है, जो सीरीज के शुरू में हमें बताया गया था कि एक गम गम नोमी है जो एक पैरामेशिया टाइप डेविल फ्रूट है, बट बाद में हमें पता चलता है जो हितो हितो नोमी जो है, जो लूफी का एक्चुअल डेविल फ्रूट है, वो एक मिथिकल जोइन टाइप डेविल फ्रूट है, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट डेविल फ्रूट में से एक है, जो बहुत ही ज्यादा ऑसम चीज है। तो अभी पास्ट के कैरेक्टर को छोड़कर जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो हाकी यूज में सबसे ज्यादा मास्टर कर चुका है, वो है रेड हेयर शैंक्स, जो हमें देखने को भी मिलता है जहाँ पे शैंक्स व्हाइट बियर्ड को विजिट करता है, और शैंक्स के आने भर से व्हाइट बियर्ड का जो क्रू है धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है, और व्हाइट बियर्ड का जो शिप है वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे ये तो पता चल जाता है जो हाकी है उसके मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हाकी यूजर जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम पावर को होल्ड करता है, जैसे हॉकाई मीहॉक, हॉकाई मीहॉक एक स्वॉर्ड्समैन है, पर उसका जो मेन जो अट्रैक्शन है वो है उसका ब्लैक ब्लेड, जो बहुत ही ज्यादा हाकी इन्फ्यूज करने की वजह से परमानेंट ब्लैक ब्लेड बन गया, जिसके मदद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो जाता है इस सीरीज का। अब तक उसका एक्चुअल फाइट तो हमें देखने को नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत मरीन फोर्ट में हमें देखने को मिला था थोड़ा बहुत फाइट, पर उसमें एक्चुअल जो कैपेबिलिटी है हमारा हॉकाई मीहॉक का वो तो हमें देखने को नहीं मिला था। तो थोड़ा बहुत बात कर लेते शैंक्स के बारे में, क्योंकि शैंक्स जो ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा ऑसम वाला कैरेक्टर है, जिसके आने भर से मरीन फोर्ट का जो वॉर था वो रुक गया था, जिससे ये तो पता चल जाता है कि कितना ज्यादा ऑसम वाला कैरेक्टर है हमारा शैंक, क्योंकि जो व्हाइट बियर्ड है वो तक ये नहीं कर पाया। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि शैंक्स जो है वो पावरफुल होने के साथ साथ एक मिस्टीरियस पावर को भी होल्ड करता है, बाद में सीरीज में हमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा ऐसा पावर है शैंक्स के पास है। बैक टू द टॉपिक, तो डेविल फ्रूट एंड हाकी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पावर है वो है हाकी का पावर, क्योंकि हाकी जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम वाला पावर है, जिसके मदद से हाकी जो है वो आप किसी भी डेविल फ्रूट के साथ इन्फ्यूज कर सकते हैं, साथ साथ में आप स्वॉर्ड्स के साथ या उसके साथ साथ आप अपने बॉडी को भी एक इनविजिबल आर्मर दे सकते हैं हाकी के मदद से, पर डेविल फ्रूट ये नहीं करता है। डेविल फ्रूट की मदद से आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, पर हाकी जो है और जितना आप ट्रेन करेंगे उतना ज्यादा ऑसम होता जाएगा और वो उतना ही पावरफुल होता जाएगा। और एक कैरेक्टर है जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा, वो होगा मंकी डी गार्ड, जो एक बहुत ही लेजेंडरी मरीन है, और इसके एक्चुअल पावर के बारे में तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि इसने और गोल्डी रॉजर ने मिलके वर्ल्ड के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट ग्रुप था रॉक पायरेट, उसे भी डिफीट किया था, और इसके डिटेल्स के बारे में तो हमें नहीं पता है, तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के कीजिएगा, एंड आज के लिए बाय बाय।